यदि इस प्रकार के क्वेश्चन रहे तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। कैसे यहाँ क्या आ रहा है कि sec a into tan a plus tan square a minus cosec a, इसमें दिया हुआ है कि यदि tan a बराबर 2, यदि tan a बराबर 2 तो कैसे सिद्ध करेंगे। तो हम यहाँ जान लेंगे कि चूंकि tan a बराबर 2 मतलब एक इसके नीचे दिया हुआ है, इसका सूत्र हो जाता है p बटे b, तो p और b दिया हुआ है, दो भुजा दिया हुआ है, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए आसान तरीका तो क्या होगा, तो दो भुजा दिया रहे तो p और b दिया हुआ है, तो ये क्या निकालना, h, क्या निकालना है, h। जब h निकाल लेंगे मतलब h बराबर सूत्र हो जाता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से कर लेंगे, ओवर रूट हो जाएगा आपका, p कितना दिया हुआ है 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ क्या होगा कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1, तो इसका वर्गमूल आपका रूट 5 होगा, रूट 5 होगा। अब यहाँ चलेंगे कि इसलिए कि sec a इंटू टेन ए प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस कोसेक ए, ठीक है। तो इस तरह से हम चलेंगे ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा। तो यहाँ देखते जाइएगा कि यहाँ क्या सूत्र होता है, एच बटे बी इंटू पी बटे बी प्लस पी बटे बी का होल स्क्वायर माइनस एच बटे पी हो जाएगा, हो जाएगा ना, समझ में आ गया। तो आगे चलते हैं, देखिए एच बटे पी की क्या होगा, एच मेरा कितना निकला, रूट फाइव, तो रूट फाइव बटे कर देंगे बी, वन हो जाएगा गुना, और यहाँ करेंगे पी, तो यहाँ मतलब टेन ए है ना जी, टेन मतलब रख देंगे टू डायरेक्ट, प्लस यहाँ क्या होगा, यहाँ भी टू का होल स्क्वायर कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, एच बटे पी, तो एच मेरा रूट फाइव बटे टू है, रूट फाइव बटे टू कर लेंगे, रख देंगे, अब रूट फाइव गुना टू करेंगे, टू रूट फाइव हो जाएगा, प्लस फोर हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, रूट फाइव घटा टू। अब दोनों को क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे, तीनों को, इसके नीचे एक, इसके नीचे एक है भाई। तो कैसे करेंगे लघुत्तम निकालने के लिए, सबसे पहले आपको दो और एक का लघुत्तम जानना पड़ेगा, क्या होगा जब लघुत्तम नहीं निकलता है तो गुणा कर दिया जाता है, तो दो और एक, दो एकम दो हो जाएगा, आपका लघुत्तम कितना हो गया, दो एकम में दो, दो बड़ी आता है, तो दो दो दूनी चार, चार रूट फाइव, चार रूट फाइव, एकम दो, दो 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 चार दूनी आठ हो जाएगा, घटा दो एकम दो, तो यहाँ रूट फाइव हो जाएगा भाई, ध्यान से देखिएगा, पूर्ण रूप समझ में आएगा। वीडियो का स्किप करना करेंगे तो आपको एक है ना थोड़ा सा भी समझ में नहीं आएगा। चलिए चलते हैं, यहाँ क्या है, चार, यहाँ चार रूट फाइव है, घटा रूट फाइव है, तो चार में से एक चल जाएगा तो कितना बचेगा, तीन बच जाएगा, तो यहाँ तीन रूट फाइव प्लस आठ बटे टू आपका आंसर हो जाएगा, क्या समझ में आ गया। तो इसी तरह के मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करें ताकि आपके पास नए वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके।